देख सकते हैं रोड पे ही बाइक फूंक दिया गया है। अब इसका क्या कारण है और कौन फूंका इसका कोई पता भी नहीं चला है। और लोगों के नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा, जेबीपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, अभी डुमराव के बाजार में आए और डुमराव थाना के पास एक पागल युवक ने अपना बाइक ही फूंक डाला। इसके क्या रीजन है, क्यों बाइक फूंक रहा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो प्यारे होटल और रेस्टोरेंट है डुमराव कॉम्प्लेक्स डुमराव, उसी के पास है और उसी के नजदीक में अपना बाइक फूंका है। और आइए हम दिखाते हैं ये कैसे बाइक। ये डुमराव थाने के समीप से सटे हुए कुछ ही दूरी 50 मीटर दूरी पर ही एक पागल मूर्ख व्यक्ति ने अपना बाइक को एकदम बिल्कुल रोड पे ही जला दिया और बाइक धू धू करके जलती हुई और बहुत सारा जाम लग गया। और इसके चलते हम आए उस व्यक्ति से पूछना चाहेंगे ये बाइक जला क्यों और जलाया क्यों, इसके पीछे क्या राज है, क्या इसके इसको जलाने के क्या इसके पीछे उसका कोई विशेष काम होगा या मतलब ऐसे क्यों किया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से मात्र 50 में डुमराव थाने के पुराने थाने के पास से मात्र 50 मीटर दूरी पर यहीं से बाइक को जलाया गया है। और ये मूर्ख इंसान क्यों बाइक जलाया, अगर कुछ सूत्रों से पता चला है कि उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था पेट्रोल भरवाने के लिए। ऐसा भी लोग मूर्ख इंसान हो रहे हैं अभी से। देख सकते हैं रोड पे ही बाइक फूंक दिया गया है। अब इसका क्या कारण है और कौन फूंका इसका कोई पता भी नहीं चला है। और लोगों के मानना है कि ये पागल है एक तरह से और गाड़ी को फूंक दिया है। देख सकते हैं गाड़ी धू धू करके एकदम लहक रही है, बम बम जल रही है और पुलिस प्रशासन भी आ गया है। तो इसको क्या कहा जा सकता है, मुर्खता कहा जाएगा या पागलपन कहा जाएगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ कहा जाएगा, प्रशासन की गाड़ी भी आई है, प्रशासन भी देख रही है बस और प्रशासन भी करेगा इसमें प्रशासन की कुछ नहीं है काम। ये बक्सर जिला के डुमराव के पास है और बाजार एकदम तुरंत थाना से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये कांड हुआ है और अपना पागल युवक ने अपना एकदम बाइक में आग लगा दिया। आग लगाने के कारण क्या हो सकते हैं इसका हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लड़कों से और कुछ यहाँ पर जितने भी हैं देखने वालों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये बाइक बुझाने वाले हैं। अगर ऐसे अगर आए दिन घटना घटित रहता है तो बहुत ही जबरदस्त घटना हो सकती है और ये बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि थाने से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही प्रशासन ने भी अपना प्रशासन है प्रशासन के रहते हुए भी अगर ऐसा पागलपन और मुक्ता किया जाए तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, पूरा नुकसान भी हो सकता है। अगर तमाम अगर देखा जाए तो बहुत सारा ऐसे बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर कहीं बच्चे भी अगर आ रहे हैं जा रहे हैं या स्कूल के बच्चे इस टाइम छुट्टी होने वाला है, अगर बच्चे भी आए तो बहुत दिक्कत और परेशानी हो सकती है। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मूर्खता की कोई हद नहीं होती है। यहाँ पर लोगों को मानना है कि वो माइंड से डिस्टर्ब है क्योंकि उसको पागलपन ये बोल सकते हैं और या जो मतलब उसको थाने में ले गया गया है। और यहाँ का जो एक एसआई है वो सर बता रहे हैं डुमराव थाने में उपस्थित है प्रस्थित है और वो बता रहे हैं कि वो पागल है और इस तरह से मूर्खता का काम किया और मूर्खता के होने के कारण अगर ऐसे मूर्ख लोग अगर काम करते लगे तो किसी ना किसी को नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर गाड़ी ब्लास्ट भी कर जाए तो इसमें किसका बहुत सारा परेशानियां उठाना पड़ेगा, बुझा दिया गया। तो देख सकते हैं हमारे ये हैं जो एसआई हैं सब इंस्पेक्टर और ये बताएं कि ये बहुत ही मूर्खता के काम किए जो जो इसने किया और उनको पकड़ कर अभी डाला गया है।